कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा, कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आज से मैं अन्न जल त्यागती हूँ भावना के हक के लिए। भावना के नाम पर अस्पताल बनेगा। गुलाब जी, दरअसल मैं वास्तव में बहुत बिजी हूँ। कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व है, कुछ कमिटमेंट है, वरना देखिए ना, आपने मुझे जब भी बुलाया है मैं आई हूँ ना। भाभी ने अन्न जल छोड़ा है, जिद की है, वो चाहती है कि ये अस्पताल खुले और संदेश की भी इज्जत बने और आपने अस्पताल को चलाए। वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। टाइम निकाल के कभी घर पर आओ, बैठेंगे। जरूरी बात? किस बारे में अंकल? मीरा के बारे में। परंतु मैंने तो युगों युगों से अमर निस्वार्थ प्रेम को कई कठिनाइयों से, कई कष्टों से जूझते हुए देखा है, उनका लेखा जोखा रखा है। ये तो प्रारंभ है प्रभु। आप ठीक कहते हैं चित्रगुप्त, वास्तविकता तो यही है कि मैं सृष्टि का रचयिता अवश्य हूं, परंतु सृष्टि के मानव के सही पारखी आप ही। इसी से दृश्यावलोकन का आनंद बढ़ जाता है। दिखाएं आगे का दृश्यावलोकन। जी प्रभु, देखिए। आज एक जादू देखा, किसी की आंखों में क्या समंदर जैसी गहराई होती है? मैं डूबती गई उन आंखों में। दिल कितना तेज तेज धड़क रहा था। क्यों, पहले भी कई खूबसूरत जवान चेहरे आंखों के सामने गुजर गए, पर दिल नहीं धड़का। क्या इसी को प्यार कहते हैं? क्या यही प्यार है? हेलो माँ। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ मामा। मामा यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, मैं पापा के साथ शकुंतला आंटी के घर गई थी। शकुंतला आंटी पापा के स्वर्गवासी दोस्त की पत्नी है। मैं जानती हूँ शकुंतला जी को। उनका एक बेटा भी था, बहुत सुंदर, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसा। नाम भी शायद कृष्णा ही रखा था उसका। हाँ मामा, हाँ मामा, कृष्णा अभी अभी एब्रॉड से लौटा है। पता है मामा, पापा कह रहे थे कि कृष्णा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मामा, कृष्णा बहुत हैंडसम है। देख बेटा, तू किसी ऐसे वैसे चक्कर में मत पड़ना। बेटा तेरी उम्र अभी बहुत नाजुक है, मैं तुझे मुंबई शहर अकेले कभी नहीं भेजती। लेकिन सिर्फ तेरी जिद की वजह से मैंने तुझे वहां भेजा। देख बेटा, मेरे विश्वास को धोखा मत देना। कैसी बातें कर रही है मम्मा आप? अगर मुझे ऐसे वैसे चक्कर में पड़ना है तो मुंबई क्या और बीकानेर क्या? आप भी ना, ट्रस्ट मी मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ईश्वर सब ठीक कर दे। गुड नाइट मम्मा, टेक केयर। गुड नाइट।
ये कैसा इम्तिहान है भगवान, एक पत्नी ने पूरी उम्र गुजार दी अपने पति के इंतजार में, एक बेटी पैदा हुई, जवान हुई पिता के इंतजार में, और अब जब जब सब पास पास है तो रहस्य के पर्दे हटा दे प्रभु। ईश्वर करे मैं गलत साबित हूं और कृति सच्ची। अपनी नई माँ के बारे में सोच रहे हो ना? तुम्हें तो ज्योतिषी होना चाहिए। ये चैनल में कहाँ से आ गए? वैसे चित्रांश, तुमने ठीक ही कहा, मैं अपनी नई माँ के बारे में सोच रहा था। तो ये बताओ लाभ कि अभी आपकी माताश्री कौन से चोले में? कौन से चोले में है मतलब? मतलब ये कि ममतामयी, दयालु, अपने बच्चों के लिए जान देने वाली महान नारी के चोले में, या फिर ममताहीन, ईर्ष्यालु, दुष्ट, अपने बच्चों को नागिन की तरह डसने वाले चोले में? चित्रांश, तुम्हें इतनी अंदर तक की बातें कैसे मालूम हो जाती? लोग मरते हैं जिन हादसों से, उन्हीं हादसों ने पाला है मुझे। लाभ, मेरी सौतेली माँ का चोला भी ज्यादा दिन तक महान नारी के कवच में नहीं रह सका, और ऐसे ऐसे डंक मारे थे मुझे जिनका सहर आज तक नहीं गया है। चित्रांश, तो क्या डैड की दूसरी पत्नी जो आज एक ममतामयी और महान मां होने का कवच पहने हैं, वक्त आने पर डंक मारेगी? लाभ, नागिनों की फितरत में ही है डंक मारना, गाय माता की फितरत में पवित्र दूध देना है, गोबर देना है, जिसमें आधुनिक दुनिया के एटम बम को नाकाम करने की शक्ति है। बस यूं समझ लो कि एक जानवर डसता है तो दूसरा जन्म देता है। अपनी अपनी फितरत है लाभ, और कुछ नहीं। चित्रांश, तुम मुझे आने वाला संकट तो बता रहे हो, लेकिन इस संकट का उपाय भी तो बताओ मेरे दोस्त। दोस्त, जहां तक जो कुछ मैं देख पा रहा हूं, जो कुछ मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी अंदर की आत्मा कह रही है, वो बहुत विचित्र है लाभ। एक बार मैंने उर्वशी के लिए भी ऐसे ही कुछ कहा था जो सत्य हुआ था। तुम्हें अभी क्या दिख रहा है? प्लीज प्लीज बताओ मुझे। ये देख रहा हूं कि लाभ का जन्म किसी बड़े लक्ष्य के लिए हुआ है, ऊपर वाले से बहुत करीब है लाभ, ऊपर वाले का चोला है लाभ, पाप से लड़ने वाला एक योद्धा। और लाभ, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन तुम्हें वहीं ले जाकर खड़ा कर देगा जहां तुम्हारी असली जगह है। चित्रांश, फिर भी मेरा कर्म क्या होना चाहिए? मेरी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, वो भी इन हालातों में जब तुम बता रहे हो कि मेरी सौतेली माँ आडंबर है। लाभ, योद्धाओं को कौन मार्ग दिखा सकता है, और योद्धा बने बनाए मार्ग पे कब चले हैं? अरे, योद्धा तो अपने पांव से स्वयं अपना मार्ग बनाते हैं। बस तुम चलते चलो,
तुम्हारा मार्ग तुम्हें स्वयं मिलेगा। सजा दे रही हो तुम? देखिए आरसी साहब, मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हूं। अरे ये क्या बात हुई? हाँ? क्या बात हुई ये? हक मेरी बेटी का और तरसे भी मेरी ही बेटी, क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसका पति अपने ससुर से एहसान नहीं लेना चाहता। स्वाभिमानी है वो। अरे अगर वो स्वाभिमानी है तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? इसकी सजा मेरी बेटी भावना क्यों भुगते? हो सकता है कि तुम्हारी बातें ठीक हों, लेकिन यूं अनजल त्याग कर इतनी बड़ी समस्याओं के हल नहीं निकला करते। सोचने दो मुझे, किसी अनुभवी आदमी की सलाह लेने दो। पर तुम्हारा ये अनजल त्यागने का रास्ता तो कुछ सोचने ही नहीं दे रहा है मुझे। हाँ रहने दीजिए आलसी साहब, बड़े लोगों की बड़ी बातें, सोचेंगे, देखेंगे, मीटिंग करेंगे, सलाह करेंगे और महीनों इसमें लगा देंगे, लेकिन उसमें मेरी बेटी भावना का क्या? हाँ वो तो अपने पति का, अपने घर का सुख छोड़कर यहाँ इंतजार करेंगे। जी नहीं आरसी साहब, अब तो आर या पार। देखो रूपरानी, थोड़ी समझदारी से काम लो। मैं भावना पर करोड़ों रुपया खर्च नहीं कर सकता। मुझे भरोसा चाहिए कि कोई इसे संभाले। पैसा तो उसी का है, मैं कहां किसी को दे रहा हूं। बस कीजिए आरसी साहब, पैसा पैसा पैसा, हमेशा पैसों की ही बात करते रहते हैं आप। पर अस्पताल बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अरे मुंबई में क्या मरीजों का अकाल पड़ा है क्या? जो घाटा हो जाएगा, अस्पताल बंद हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे मुंबई जैसे शहर में मरीज न जाने कहां कहां से आते हैं इलाज कराने के लिए, और आप है कि पैसे नहीं आपके पास, बिजनेस है यारसी साहब, बिजनेस, मुनाफे का बिजनेस है। बस सब बहाना है आपका, खूब समझती हूँ मैं। और अगर भावना खुद ये कहे कि वो अभी अस्पताल के लिए सोचने का मौका देती है, तो क्या तुम अंजल ग्रहण करोगी? अगर भावना मान गई तो जग्गू जी का अस्पताल खतरे में, और अस्पताल बनना खतरे में तो उसकी जान खतरे में। फिर वो राक्षस सबको मार डालेगा। वो कहां अकेले मरने वाला है। कुछ सोच रूपरानी, सोच। क्या क्या सोचने लगी तुम? देखो रूपरानी, तुम्हें खुद इस हालात में जबकि तुम मां बनने वाली हो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं भावना से बात करूं। नहीं नहीं आरसी साहब, देखिए आरसी साहब, भावना क्या कहेगी वो तो हम जानते ही है ना। हम माँ बाप हैं और बच्चों के दिल की बात को माँ बाप से अच्छा और कौन जान सकता है। अब क्या कहेंगे भावना से? यही कि बेटा मान जा, वरना रूप रानी मर जाएगी। अस्पताल के बारे में हम बाद में सोचेंगे। और आपको क्या लगता है, भावना इनकार कर देगी? नहीं आरसी साहब,
वो मेरी मौत का कलंक अपने माथे पर क्यों लेगी? आरसी साहब, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा है। मारे गए यार, ये तो अड़ गई है। चलो फिर भी भावना से बात करता हूं, वही कोई रास्ता निकाले। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलता हूं। जय श्री राम। आप भावना, बेटे सोए नहीं? डैड, इतने टेंशन में कौन सो सकता है? देखो बेटा, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, समझदार हो। अगर मैं तुम्हारे सामने कोई प्रस्ताव रखूं और तुम मेरी उसमें मदद करो तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा डैड? मेरे ससुराल में मेरा दम घुटता है। संदेश अपनी माँ की पल्लू से बंधा है, अपनी बहनों की तरफदारी करता है। वहां मैं बिल्कुल अलग थलग रह जाती हूँ और यहाँ मायके में आप नई माँ लेकर आ गए, जिसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। और आप तो हॉस्पिटल मेरे नाम करेंगे नहीं, और संदेश कभी हॉस्पिटल लेगा नहीं। कौन सा प्रस्ताव, कैसी मदद डैड? बेटा, तुम्हारी नई माँ ने ये सब तुम्हारे लिए तो छोड़ा है, तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए अंजल त्याग कर व्रत पर बैठ गई है, दरी बिछाकर जमीन पर सोती है और ये अंजल त्याग कर भगवान की शरण में पड़ी है। अब तुम बताओ बेटा, ऐसे में मैं क्या करूं? अब उन्हें ये सब करने के लिए मैंने तो नहीं कहा है ना डैड, फिर भी अच्छा लगा कोई गैर होकर भी मेरे तकलीफ के बारे में सोच रहा है। पर आप मेरे डैड होकर भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचते। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये करोड़ों का खेल है, इतना बड़ा रिस्क है। अब मैं तो देख संभाल सकता नहीं, और जग्गू जी पर मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। क्या क्या संभालेंगे इस उम्र में? कितना परेशान करके रखा हो मैंने पहले ही उन्हें, और लाभ तो अपने चैनल में बिजी है। अब तुम बताओ कि कौन है इस घर में जो ये सब संभाले? बेटा एक बात याद रखना, पैसा आने के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन जाने में देर नहीं लगती। अरे बड़ी बड़ी कंपनियों के दिवालिया निकल गया है। बेटा मेरी बात मानो, थोड़ी थोड़ी समझदारी से काम लो। क्यों डैड, क्यों? मैं क्यों नहीं संभाल सकती? और आप मुझे इतना अंडरएस्टिमेट क्यों करते हो? और फिर संदेश ने कौन सी दुनिया देखी है डैड? वो भी तो अभी अभी डॉक्टरी पूरी करके निकला है, उस पर आप रिस्क ले सकते हो पर अपनी बेटी पर नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, I'm sorry, Dad. देखो बेटा, पहले अपनी नई माँ की टेंशन को खत्म करो, फिर मैं कुछ सोचता हूँ। और जो तलवार लटकी है ना अंजल त्यागने की, इस धमकी से काम और बिगड़ेंगे। और पहले अपनी नई माँ को उसकी बेवकूफी से रोको, ये पैसा कहीं भागा नहीं जा रहा है, समझे ना? थोड़ा समझदारी से काम लो। ये नई माँ ने तो डैड को हिला कर रख दिया, अब हॉस्पिटल खुल कर रहेगा, वो कहाँ देख पाएंगे अपनी वाइफ का भूखा रहना। जरा 2 दिन तो गुजरने दो, फिर बताऊंगी संदेश को
कि भावना बन गई हॉस्पिटल की मालकिन। हर इंसान का अक्स वहां पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहां, कौन कहां, कौन कहां, कौन कहां?